हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि प्रॉपर्टी किसी के नाम से रहता है और कब्जा किसी और का रहता है, तो इस स्थिति में क्या कब्जाधारी का जमीन हो सकता है, और कब्जाधारी का यदि जमीन हो जाएगा तो उसके लिए उसको क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, कौन से कंडीशन को वो फॉलो करेंगे जिससे कि जिनका कब्जा है उसका जमीन हो जाएगा, जो ओरिजिनल ओनर हैं, जो मेन मालिक हैं उस ज़मीन का, उसका कब्जा हट जाएगा, उस पर से उसका नाम हट जाएगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला बात यह है कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि प्रॉपर्टी किसी और का रहता है और कब्जा कोई दूसरा व्यक्ति उस पर करता है। तो इस स्थिति में जिनका कब्जा रहता है वो चाहते हैं कि ये मेरा ही ज़मीन है और मेरा ज़मीन ये हो जाएगा, इनके लिए मैं अपना पेपर तैयार करवा लूँगा, पेपर बना लूँगा। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आती है, क्या कब्जा होने से वो ज़मीन उनका हो जाएगा? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस है कि कब्जा होने से उनका ज़मीन हो जाएगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या वो उस ज़मीन पर 12 साल से रह रहे हैं या 12 साल से अधिक समय से वो उस ज़मीन पे रह रहे हैं। और रहना ही काफ़ी नहीं है, रहने के साथ साथ ये भी है कि क्या उनके रहने से किसी को उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। यदि ये चीज़ें हैं कि वो 12 वर्षों से अधिक समय से उस ज़मीन पे कब्जा है उनका, वो काबिज किए हुए हैं उस ज़मीन को, और उसके कब्जे में वो जो उस ज़मीन पे कब्जा किए हैं उससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई समस्याएं नहीं हैं, यदि इस कंडीशन को वो फॉलो करते हैं तो वो ज़मीन उनका हो सकता है। लेकिन साथ ही यदि उस कंडीशन को वो फॉलो नहीं करते हैं, वो 12 साल से मान लीजिए कब्जा में है भी, लेकिन अन्य व्यक्ति को उनसे प्रॉब्लम है, मतलब मेन ऑनर जो है उनका उनसे प्रॉब्लम है, और वो बार बार उसके लिए उनसे लड़ाई झगड़ा भी होता है उस ज़मीन के लिए, तो फिर इन चीज़ों को वो प्रूव नहीं करेंगे कि 12 साल से उनका कब्जा है और वो ज़मीन उनका हो जाएगा। इसमें ये है कि कब्जा तो है, लेकिन कब्जे के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्याएं नहीं हैं तो फिर वो ज़मीन जो है उनका हो जाएगा, और वो अपना ओनरशिप का पेपर बना सकते हैं, उनका मालिकाना हक उनका हो जाएगा, उनके नाम से वो टाइटल हो जाएगा, मेन ऑनर का वो नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति का भी है, लेकिन 12 साल से अधिक समय से यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो वो ज़मीन का मालिक वो बन सकता है, बशर्ते कि जो मेन मालिक है उनको या कोई अन्य व्यक्ति को उस ज़मीन पर उनके कब्जे से किसी को कोई समस्याएँ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस स्थिति में वो मालिकाना हक प्राप्त करके अपने नाम से टाइटल ले सकते हैं, ज़मीन का पेपर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।